नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24 P7 आवाज़ गांव तक की। दोस्तों, खबरें एरोला आजमगढ़ से। बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला में पहुंची पूर्व सांसद व जिलाध्यक्ष। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल एरोला की तरफ से ब्लॉक सभागार में बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान व विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद नीलम सोनकर व जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यशाला को पूर्व सांसद नीलम सोनकर, श्रम प्रकोष्ठ के रामाकांत मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी कन्हैया निषाद, हरीश तिवारी, हनुमंत सिंह, जिला मंत्री अभिषेक सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में संगठन के लिए बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण व कड़ी भूमिका निभाते हैं। बूथ अध्यक्ष के बल पर हम चुनाव जीतते हैं। उसे मजबूत और शक्तिशाली बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मतदाताओं को जोड़ना, भाजपा के केंद्र व प्रदेश सरकारों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। पन्ना प्रमुख अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर 2024 में भाजपा 350 के ऊपर सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार स्थापित हो, इसलिए सभी संगठन प्रमुख और कार्यकर्ताओं के दम पर 2014 से लेकर 2019 और अब 2024 में सरकार बनाएंगे। यह ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, मजबूत संगठन से भाजपा देश में नंबर वन बनी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का जगह जगह पर लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मौके पर मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह, गौरव प्रताप सिंह, राकेश सिंह, अमित राय, आशुतोष चौबे, नरेंद्र सिंह, रामवृक्ष राजभर, अनुपम पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आगे खबरें विस्तार से। उन्होंने मत प्राप्त किया था, ऐसे हमारे कन्हैया निषाद जी,
इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हमारे हरीश भैया। यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग, मैं सबको जानती हूँ, लाइन से नाम लेना शुरू लोगों की बहुत समय लगेगा। मैं अपने सभी मंडल अध्यक्ष, अपने वरिष्ठ लोग और सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लेकिन आज दो चीजें बहुत खास हैं। आज हम लोगों के बीच में नई जिम्मेदारी के साथ हमारे छोटे भाई सूरज श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष बने हैं, जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जो इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी नीचे तक अगर अपने आप को ले जा पाई है, तो शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसके नेतृत्व के हिसाब से और आपके परिश्रम के वजह से ये संभव हो पाया है। और आज भी अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो ये आपके बिना अकल्पनीय है। आज आप अन्य पार्टियों की हालत देखिए, उनके पास आपके जैसा संगठन नहीं है और आज इस वजह से उनका नेतृत्व बहुत दिशाहीन है। लेकिन आप इस संगठन की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक सम्मानजनक स्थिति में, एक निर्णायक भूमिका में हम आज हैं। ज्यादा आज की जो बैठक की कार्यशाला है, इसलिए ज्यादा दूसरी बातें ना करते हुए हम फोकस करेंगे कि हम इस कार्यशाला में हमको करना है। आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष, लालगंज के पूर्व सांसद आदरणीय नीलम शोकर जी, भाई कन्हैया निषाद जी, मंच में बैठे हुए पार्टी के सभी नेतागण, आज की कार्यशाला में उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, कार्यशाला है और कार्यशाला का एक उद्देश्य, एक मिशन है। उस मिशन को लेकर हम जाएंगे। हमारे नौजवान विधायक जी आग्रह कर रहे थे 2024 में लाल